देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। गाजियाबाद में इस वेरिएंट से संक्रमित दो मरीजों की पुष्टि हो गई है। दोनों ही शख्स बीते दिनों महाराष्ट्र से लौटे थे। किसी को भी कोई लक्षण नहीं है, लेकिन सावधानी के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। यूपी में ओमिक्रॉन की दस्तक। बताया गया कि दोनों ही संक्रमित मरीजों की उम्र 60 साल से ज्यादा है, एक पुरुष है और एक महिला। वो 2 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव आए थे, लेकिन आज रात जीनोम के बाद उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई है और हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। अभी क्योंकि दोनों में से किसी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं है, ऐसे में होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। अभी इस समय देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में ही एक दिन में 10 नए केस आने से हड़कंप मच चुका है। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 40 पहुंच गई है। राजस्थान, केरल और कर्नाटक में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 113 पहुंच गया है। सरकार कह रही है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। केंद्र की राज्य से सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।